इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव को चुनाव आयोग ने दिया है नोटिस, और इस तरह का नोटिस उन्हें पहली बार नहीं मिला। इससे पहले भी उन्हें इस तरह का नोटिस मिल चुका है, जिस वक्त वो अपने मंच से बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। रामदेव को इलेक्शन कमीशन ने थमा दिया है नोटिस, योग शिविर में बुलाने पर नोटिस है। बेहद साफ है कि रामलीला मैदान में रामदेव के मंच पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और नरेंद्र मोदी को बेशक बुलाए जाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है, क्योंकि उस शिविर का मकसद था योगा, और उस मंच से चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी का प्रचार हो रहा था। रामदेव को इस तरह का नोटिस पहले भी थमाया जा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले रामदेव इसी तरह अपने मंच से बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। चुनाव आयोग का उस वक्त कहना था, क्यों ना रामदेव के शिविर और इन रैलियों का जो खर्चा है वो बीजेपी के चुनाव खर्च में शुमार किया जाए। अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, इस नोटिस में क्या कुछ है? देखिए, 23 तारीख को बाबा रामदेव ने महाशिविर, महायोग शिविर लगाया था रामलीला मैदान में, जिसमें नरेंद्र मोदी आए थे। नरेंद्र मोदी ने बकायदा उसमें हिस्सा लिया था, बल्कि भाषण भी दिया था, और खासतौर से भाषण में था वो सीधे सीधे एक पॉलिटिकल भाषण था, और इसी को लेकर आपत्ति जताई है। इसी को लेकर आपत्ति जताते हुए दिल्ली इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भेजा गया है। उनको साफ तौर पर इस नोटिस में बाबा रामदेव से ये पूछा गया है कि ये योग शिविर था, आपने योग शिविर लगाया था, उसमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीएम उम्मीदवार को बुलाया गया था तो किस मकसद से बुलाया गया था, क्यों बुलाया था, आखिर पॉलिटिकल उस योग में पॉलिटिकल का क्या जरूरत है। तो इन सब चीजों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया है, उन्हें नोटिस देकर इन सवाल पूछा गया है कि इनका जवाब देने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव के वक्त में इस तरह की चीजें अगर होती है तो इसको लेकर चुनाव, लेकिन इस तरह का नोटिस रामदेव को पहली बार नहीं मिला। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी अपने शिविर से और इस तरह का प्रचार कर रहे थे। देखिए, ये इस तरह की चीजें होती रही है, इससे पहले भी निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था, और अभी फिर से नोटिस गया है, और जवाब भी इसका उम्मीद जैसा कि उम्मीद है कि उसी तरह से जवाब भी संभावना है कि आएगी। रामदेव के बाबा की तरफ से उनके प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, तो हालांकि उन्होंने, अगर चुनाव आयोग रामदेव के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पहले ही इस तरह की कई चीजों में, यहाँ तक कि बयानबाजी से लेकर कई ऐसी बातों को लेकर हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही ये कहता है कि आचार संहिता कोई इंडियन पेनल कोड नहीं है कि जिसमें कोई कार्रवाई हो सके। हम तो सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि आचार संहिता में नोटिस के जरिए कि आपने ये गलत काम किया है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ताकि भविष्य में आप इस तरह की चीजें ना करें। तो एक तरह का संदेश होता है, उसमें सुझाव होता है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और इसीलिए इसको बार बार इलेक्शन कमीशन को बिना दांत के हाथ से कहा जाता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके पास दांत नहीं है, खाली आप दिखाने के लिए है। तो कुल मिलाकर एक नोटिस है, उसके जरिए बताने की कोशिश है कि इस तरह की योग शिविर या इस तरह के धार्मिक आप जो कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल न किया जाए।